हेलो एवरीवन, आप सब लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट्सअप में ऑटो रिप्लाई कैसे लगा सकते हैं। कभी कल क्या होता है, आपने देखा होगा, कोई अगर आपको आपने किसी कस्टमर केयर को या कहीं भी मैसेज करते हो ना, तो वहाँ से ऑटोमेटिक उधर से ऑटो रिप्लाई आ जाता है ना। अगर आपने हाई का मैसेज किया तो उसका जो भी सर्विस है ना, उसके बारे में कुछ डिटेल आपको आ जाएगा। तो आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा। तो आप कैसे अपने बिजनेस के लिए उस प्रकार यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो ऑटो रिप्लाई, ठीक है, और वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के यूज़ किए हुए। तो मैं आज की वीडियो में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने का आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैंने अभी वो अपने व्हाट्सअप को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मेरा यहाँ पे ये व्हाट्सअप है, तो मैं व्हाट्सअप को ओपन कर लिया। व्हाट्सअप को ओपन करने के बाद में गाइस, आपको क्या करना है, एक कॉन्टैक्ट लिख लेना है, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरा कॉन्टैक्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे मैं उस कॉन्टैक्ट का लिंक भी मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अभी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं ये, ठीक है, जैसे मैं देखो ना, मुझे एक बंदा ने हाई का मैसेज किया था, ऑटोमेटिक उसके पास ये मैसेज चल गया, ठीक है। हेलो प्रकाश सैंडर, दिस साइड हियर टू हेल्प यू, ठीक है। बिफोर द प्रोसेस प्लीज टेल मी सम बेसिक इन्फॉर्मेशन टू चेक यू आर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल माई वर्किंग अपॉर्चुनिटी, मतलब मैं जान सकूँ क्या मेरे काम के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, उसके लिए मुझे कुछ डिटेल चाहिए, नाम, एज, एजुकेशन, बैकग्राउंड, प्रोफेशन, सिटी, ये सारा चीज़ मुझे सेंड कर दो, ठीक है। जैसे वो हाई का मैसेज करेगा, ऑटोमेटिक ये मैसेज चल जाएगा। कैसे जाएगा, तो गाइस इसके लिए मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में गाइस आपको करना क्या है, 3 डॉट पर सिंपल आना है, सेटिंग पर आना है। सेटिंग के बाद गाइस आपको यहाँ पे आना है बिजनेस टूल पे। बिजनेस टूल्स पर आने के बाद में गाइस आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा गेटिंग मैसेज का, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सेंड गेटिंग मैसेज, इसको यहाँ से क्या करना है, ऑन कर लेना। उसके बाद में गेटिंग मैसेज पर क्लिक करना है। देखो मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख के रखा हूँ, तो आपको भी क्या करना है, जो मैं अभी दिया ना उसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। जैसे मैं मान इनको डिलीट कर दिया, वहाँ से कॉपी किया था, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या कर लिया, ओके कर दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, कि हु इज रिसीव यूर गेटिंग मैसेज, ये मैसेज किसको रिसीव होना चाहिए, एवरीवन, सभी लोग को, एवरी नोट इज एड्रेस बुक, ठीक है। यानी कि उन लोग को सिर्फ जिसका एड्रेस हमारे पास, मतलब जिसका नंबर सेव नहीं है, तो जिसका नंबर सेव नहीं है ना उसको मुझे चाहिए। तो मैं उसको क्लिक करके आप भी इसी पर सेटिंग कर लीजिएगा, और सेटिंग करने के बाद ऊपर सेव कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप सेव कर देते हैं, तो अब कोई भी नया नंबर से आपको हाई के मैसेज करता है, तो ऑटोमेटिक उसके पास मैसेज चल जाएगा, ऑटोमेटिक मैसेज चल जाएगा, ठीक है, कि हाँ अपना डिटेल सेंड करो, अगर आप मेरे काम के लिए कॉल किए, या जैसे मैं इनके पास मुझे हाई के मैसेज किया, ऑटोमेटिक मैसेज चल गया। तो इस प्रकार आप व्हाट्सअप मतलब ऑटोमेटिक मैसेज लगा सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपको बहुत सुविधा होगा आगे वर्क के लिए। तो गाइस ये सिर्फ बिजनेस व्हाट्सअप में ही हो सकता है, ठीक है। ये सेटिंग बिजनेस व्हाट्सअप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बिजनेस व्हाट्सअप डाउनलोड करने के लिए कुछ करना नहीं है, सीधे आपको यहाँ से प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद में आप लिखिएगा यहाँ पर बिजनेस व्हाट्सअप, आ जाएगा तुरंत, ठीक है। उसी में ये ऑप्शन लगा सकते हैं बिजनेस व्हाट्सअप, देखिए ये आपका बिजनेस व्हाट्सअप हो गया, इसी में ये सारा चीज़ गेटिंग मैसेज वगैरह का लगेगा, सिंपल व्हाट्सअप में नहीं रहेगा, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम अपने व्हाट्सअप के अंदर में ऑटो रिप्लाई लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।